का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो भैया एसएससी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसमें मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम 4, बहुत ही शानदार सा सेशन है, मजा आएगा आज सभी को, आप सभी को देखेंगे जो नए नए कलाकारी वाले सवाल, ठीक है ना। चलते हैं अपने धुआंधार तरीके पे। देखो भाई अभी थियरी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही मैथ की। बाबू मैंने आपको पहले ही कहा है जब तक थियरी चलेगी तब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ तब मिलेगी जब क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन की पीडीएफ। मैथ में केवल क्वेश्चन होता है, मैथ में कोई थियरी मतलब ये आपको बेसिक सिखाना है, ये आप अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि मैं अगर कोई चीज लिख के दे दूंगा तो आप तैयार नहीं कर पाओगे। अगर मैं कोई चीज आपको लिख के दे देता हूं तो आप तैयार नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। इससे बेहतर है कि आप अपना एकदम बढ़िया से खुद से लिखिए। जैसे आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं के विषय में, प्राकृतिक संख्या के विषय में हमें पढ़ना है, यानी कि हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब क्या होता है नेचुरल नंबर, हम आपसे बात कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, नेचुरल नंबर क्या होता है भैया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, किसको, गिनती की संख्याओं को, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं भैया। अब गिनती की संख्याएं, जैसे नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे अनंत तक। तो याद रहे गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, वे संख्याएं जो गिनती के काम आती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में कितनी उंगली है, तो आप जीरो से तो शुरू करोगे नहीं कि 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा शुरू करोगे नहीं, आप कहां शुरू करोगे, ये आपका हाथ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से उंगली गिनती शुरू करोगे। तो जो गिनती की शुरुआत होती है 1 से होती है, इसलिए 0 आपकी नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। एक चीज और जानते रहो भाई, प्राकृतिक संख्याओं को हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है। है ना, हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबिक संख्या भी कहा जाता है, हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। द नेचुरल नंबर्स इज नोन एज हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबी संख्या। जैसे आपको पता होगा ये संख्या कुछ इस तरह से भी लिखी जाती है, जैसे एक जमाने में जब आप छोटे हुआ करते थे तो कैसे लिखते थे, एक हैं ऐसे लिखते थे क्या, ऐसे लिखते थे हैं, नहीं यार पता नहीं कैसे लिखते थे, एक फिर लिखते थे दुई, लिखते थे तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दह, ऐसे लिखते थे ना जब छोटे हुआ करते थे, पता नहीं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। मेरे को भी इधर डाउट है कि 6 वाला और 9 वाले में कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर बाकी तो सब सही लग रहा है यार, ठीक है। तो इस तरह से जो लिखते थे वही हिंदू अरबिक संख्या जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, हिंदू जो हमारे देश के लोग थे, जो अरबी लोग हमारे देश पे आए थे, तो वो दोनों तरह के देश के लोग यही नंबर्स का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसे हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, बताओ 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 क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो
अब यहां से और चीजें सीखो, जैसे कि अगली संख्या हमें सीखना है सम संख्या। एक और संख्या होती है उसको भी जान लो, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है। होल नंबर का मतलब W की शुरुआत जीरो से होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह की जो संख्या उन्हें होल नंबर कहते हैं। मतलब सभी नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर आप सपोज करिए सभी नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर आप एक जीरो को भी लिख देते हो, किसको लिख देते हो, जीरो को लिख देते हो, एक मिनट रुक जाओ, चलो अगर आप सभी नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को भी ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, उसको पूर्ण संख्या कह दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? अब यहां से आपके सामने जैसे मैंने कहा कि ये जो संख्या है ये होल नंबर है, ये जो संख्या लिखी है वो होल नंबर है। दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा रहता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। इन दोनों का फर्क है क्योंकि कभी कभी हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखो इसमें दो तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। एक सवाल ये बन सकता है, दूसरा सवाल प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत। ये दो सवाल इसमें बन सकते हैं, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब जैसे आपसे पूछा कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्योंकि ये संख्याएं क्रमागत होती हैं इसलिए जो इनका एवरेज होता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट के कॉन्सेप्ट से लगता है। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, जब आप बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज, अभी बस इतना जानिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 से एवरेज लगता है। अब जैसे मान लो आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये जो संख्याएं आप लिखोगे प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं, वो 1, 2, 3 ऐसे कहां तक लिखोगे, 30 तक लिखोगे, है ना। तो इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1 + 30 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 31 डिवाइड बाई 2 तो कितना आया, 15.5। इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 15.5 आ जाएगा। लेकिन वहीं पे इस सवाल का आंसर देखो, 30 पूर्ण संख्याओं, जब 30 की गिनती लिखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप कहां तक लिखोगे, 30 तक नहीं लिखोगे, ना 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 ना, ना, ना 30 तक नहीं, 29 तक लिखना पड़ेगा आपको। कहां तक लिखना पड़ेगा भैया, 29 तक लिखना पड़ेगा। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे 29 तक लिख दोगे तो काम हो जाएगा। अब यहां से इसका एवरेज निकालने के लिए कह रहा है आपसे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट कितना है 0 + 29 डिवाइड बाई 2, 29 का आधा 14.5। तो देखो एवरेज में फर्क आया, एवरेज में दोनों में फर्क है। तो यही जो दोनों संख्याओं में फर्क है भैया, 30 प्राकृतिक संख्या है, 30 पूर्ण संख्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों अलग अलग हैं, इस बात को आप जानते रहिए बहुत अच्छे से। बात समझ में आ रही है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए और जानते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो संख्या हमें पढ़नी होती है वो होती है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, हमें जो अगली संख्या पढ़नी है उसका नाम क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। अब सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, तो देखो ध्यान से, देखो वे संख्याएं
जो दो से विभाज्य हों, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हों उन्हें सम संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हों, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। द नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय टू इज नोन एज इवन नंबर। अब लेट्स सी टॉक अबाउट दिस। इवन नंबर की शुरुआत दो से होती है, दो चार छ आठ दस बारह चौदह, इस तरह की संख्याओं को इवन नंबर कहा जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो दो होती है। टू इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। टू क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सबसे छोटी सम संख्या भैया। दो क्या है? सबसे छोटी सम संख्या है। दो को सबसे छोटी सम संख्या कहा जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? टू इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, दो को सबसे छोटी सम संख्या कहा जाता है। तो दो चार छ आठ दस बारह चौदह, ये जो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, द नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाई, द नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाई टू, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाज्य हों उन्हें कौन कहता है भैया? सम संख्या, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। वे संख्या जो दो से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आपने कहा विषम संख्याएं, विषम संख्याएं का मतलब होता है, विषम संख्याएं का मतलब होता है ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं का क्या मतलब होता है? ऑड नंबर होता है विषम संख्याओं का मतलब। अब क्या होती है ऑड नंबर? तो आप क्या कहेंगे? वे संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। भैया बताओ समझ में आ रही है? वे संख्याएं जो दो से विभाज्य ना हो, जो दो से विभाज्य नहीं होंगी उन्हें विषम संख्या कहा जाएगा। अब विषम संख्या की ऑड नंबर के विषय में बात करूं तो कौन कौन सी होंगी? जैसे एक से शुरुआत होती है, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह, ये जो संख्याएं हैं इन्हें विषम संख्या कहा जाता है। और एक चीज और जान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो टू होती है। टू इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। सॉरी टू कहां से यार? देख रहे हो कैसा दिमाग चल रहा है मेरा? वन सबसे छोटी, अरे सबसे छोटी कौन है? वन है ना। टू इज वन इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो कौन होती है? दो होती, एक होती है भैया। एक जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या है। एक को कहेंगे सबसे छोटी विषम संख्या। बात समझ में आ रही है? एक को क्या कहेंगे? सबसे छोटी विषम संख्या कहेंगे भैया, ये सबसे छोटी विषम संख्या है ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह डॉट डॉट डॉट, जो इस तरह की संख्याएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। क्लियरली समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से, क्लियरली समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो जो संख्याएं दो से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह, जो इस तरह की संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं, और सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो एक है। ये बातें आपको समझनी चाहिए। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एक और यहाँ पे जो हमारी बातें होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये हमारी संख्या पद्धति होती है, थोड़ा सा डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर लूँ, तो जैसे ये हमारी एक संख्या पद्धति है, तो आपको पता है यहाँ पे एक नंबर होता है हमारा जीरो, यहाँ पे एक नंबर होता है हमारा जीरो। आपको पता है कि इसके इधर जो संख्याएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव संख्या, और इसके इधर जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, नेगेटिव संख्या। ये बात आपको पता है, तो जैसे इसको लिखेंगे तो एक, इसको लिखेंगे दो, इसको लिखेंगे तीन, इसको लिखेंगे चार, इसको लिखेंगे पांच, ऐसे इन्फानाइट तक लिखेंगे, बताओ। और जब यही बात आप इधर लिखते हो तो माइनस एक, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस इन्फिनाइट, है ना। तो प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक की बहुत सारी संख्याएं हैं यहां पे, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया वे संख्याएं, आपने जैसे सम संख्या की डेफिनेशन क्या बताई, आपने सम संख्या की डेफिनेशन बताई, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है, आपने ऐसा कहा, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, द नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय टू इज नोन एज सम संख्या, इज नोन एज इवन नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है, यह आपने कहा। अब यहां समझिए भैया, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य है उन्हें सम संख्या कहा जाता है, तो ये आपने कहा। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, तो आपने कहा कि सबसे छोटी जो सम संख्या है वो दो है, इसको आपने क्या कहा, सबसे छोटी सम संख्या, आपने इसको कहा सबसे छोटी विषम संख्या। तो यहां से थोड़ी सी चीज आप जानते रहो, क्या जानते रहो भैया, देखो हर एक संख्या के बाद एक सम संख्या आती है, जैसे दो है फिर तीन को छोड़ दो तो चार फिर से सम आएगी, पांच को छोड़ दो तो फिर से छह सम आएगी, छह सात को छोड़ो तो फिर से आठ सम आएगी, नौ को छोड़ो तो फिर से दस सम आएगी, मतलब हर एक संख्या के बाद एक आपको सम संख्या मिलेगी, हर एक संख्या के बाद एक आपको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो हर एक संख्या के बाद आपको विषम संख्या भी मिलती है, जैसे एक को छोड़ दो को छोड़ दिया तो तीन आपको विषम मिलेगी, चार को छोड़ दिया तो पांच आपको विषम मिलेगी, छह को छोड़ दिया तो सात आपको विषम मिलेगी, आठ को छोड़ दिया तो नौ आपको विषम मिलेगी। इस तरह से जो विषम संख्याएं भी होंगी वो ऐसे 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 मिलती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो बोलो। चलो, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से सम विषम आपको मिलता हुआ चला जाएगा, सम भी मिलेगा आपको, विषम भी मिलेगा आपको, सम भी मिलेगा आपको, विषम भी मिलेगा आपको। अब इस तरह से अगर आपको सम विषम मिलता चला जाएगा, समझिए, अगर इस तरह से सम विषम मिलता चला जाएगा, तो मेरा एक सवाल है कि पहले बात तो यहां से अगर मान लो आपसे कोई कहे, आप सपोज करो किसी सवाल में मानते हो कि माना, आप सपोज करो मानते हो कि माना पहली विषम संख्या, या मान लो कि माना फर्स्ट सम संख्या, मान लो कोई सवाल आपको मानने के लिए आ जाता है, आपने माना पहली सम संख्या x है, तो जो दूसरी सम संख्या होगी, जो सेकंड सम संख्या होगी, उसको आप क्या मानोगे, आप बताओ। x से आपको बताया, अगर जैसे मान लो आपने पहली सम संख्या मान लिया दो, तो दो से दो ज्यादा है तब चार मिलेगा, फिर जो अगली 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 नेक्स्ट 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 वाली आपको मानना है, तो पहली आपने सम मान लिया, पहली आपने x मान लिया, तो दूसरी आपको क्या मानना पड़ेगा, x प्लस टू। ऐसी मान लो आपको थर्ड माननी पड़ी, तो थर्ड सम संख्या, मान लीजिए आपने थर्ड सम संख्या मानी, तो x प्लस टू में फिर से टू जोड़ोगे तो x प्लस फोर। इस तरह से सम संख्याएं मानी जाती हैं जो मानने वाले सवाल आते हैं, मतलब दो दो के गैप पे होती हैं सम संख्याएं, कहने का मतलब यह है, इसीलिए दो दो के गैपिंग पे मानते हैं इनको, दो दो के गैपिंग पे मानते। अब बच्चे को यह लगता है कि सम है इसलिए दो माना जा रहा है, या बच्चे को यह लगता है सम है इसलिए चार माना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सम है इसलिए माना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपने पहली सम संख्या मानी x, तो दूसरी सम संख्या आपने क्या मानी, x प्लस टू। क्यों x प्लस टू मानी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो आप इसमें से कोई भी संख्या, जैसे दो चार छ आठ दस, ऐसे आप मानते चले जाते हो, तो पहली संख्या आपने दो मानी,
तो अगली जो संख्या है वो दो के बाद चार आती है, फिर अगली संख्या दो के बाद छह आती है, अगली संख्या दो के बाद आठ आती है, ऐसे दो दो के गैप पे आ रही है संख्याएं, दो दो के गैप पे आ रही है संख्याएं, दो फिर चार फिर छह फिर आठ, इस तरह से दो दो के गैप पे आ रही है संख्याएं। समझ में आ रहा है? दो दो के गैप पे आ रही है इसलिए इस तरह से माना जाता है। अब यहां से समझिए मेरी बात को, अब यहां समझिए, इसलिए दो दो के गैप पे माना जा रहा है। अब मान लो कि मैंने आपसे कहा माना फर्स्ट विषम संख्या, अगर मान लो आप पहली विषम संख्या मानते हो, मान लो आपने पहली विषम संख्या मान ली, फर्स्ट विषम संख्या, मान लो आपने पहली विषम संख्या मान ली x, तो आपको जब सेकंड विषम संख्या माननी होगी, जब आपको सेकंड विषम संख्या माननी होगी तो आप क्या मानोगे, आप बताओ। पहली विषम संख्या आपने मान लिया x, तो सेकंड विषम संख्या आप क्या मानोगे, x प्लस टू। फिर थर्ड विषम संख्या आप क्या मानोगे, थर्ड विषम संख्या x प्लस फोर। अब कहोगे आपके सर जी हमने सम में भी यही माना था, विषम में भी यही माना था, बताओ सम में भी हमने यही चीज मानी थी, विषम में भी हम यही चीज मान रहे, तो ठीक बिल्कुल वही चीज माननी होती है। आपको पता है क्यों? यहां से देखो, विषम संख्या एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह, इस तरह से विषम संख्याएं होती हैं, तो विषम संख्या भी दो दो के गैपिंग पे होती है भैया। कितने की गैपिंग पे होती हैं? दो दो के गैपिंग पे होती हैं। जैसे ये दो ज्यादा है, फिर दो ज्यादा है, फिर दो ज्यादा है, फिर दो ज्यादा है, फिर दो ज्यादा है, इस तरह से दो दो के गैपिंग पे होंगी विषम संख्याएं। कितने की गैपिंग पे होंगी बताओ जल्दी से जरा, दो दो के गैपिंग पे होंगी। जैसे अगली पहली विषम संख्या दो, फिर उससे दो ज्यादा है तो चार, तीन मिल रही, फिर दो ज्यादा तो पांच मिल रही, फिर दो ज्यादा तो सात मिल, इसीलिए इसको भी हम पहली आपने अगर x मानी तो उससे दो ज्यादा आपको x प्लस टू माननी पड़ेगी, फिर से दो ज्यादा यानी कि आपको x प्लस फोर माननी पड़ेगी, इस तरह से इसको भी आपको दो दो के गैपिंग पे मानना पड़ेगा, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो की गैपिंग पे मानना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने आपको यहां पे सिर्फ सिखाया कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, संख्या एक ही तरह से मानी जाती है। अगर मान लो आप सम संख्या x मानते हो तो अगली सम संख्या x प्लस टू, अगली सम संख्या, जैसे मान लो आपसे कहा कि तीन क्रमागत संख्याएं का फलाना फलाना दिया हुआ है, कोई सवाल मान लो बना, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तीन क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ट्रिक वगैरह बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप बेसिक से सपोज करो मानते हो किसी सवाल में या किसी किताब में आप देखते हो कि माना गया है, तो वो उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कैसे समझ सको। आप देखोगे कि सर जी चलो पहली सम संख्या आपने एक्स मान लिया, बच्चे बहुत ज्यादा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि एक्स मान लिया तो इसको एक्स प्लस टू क्यों माना गया, तो आपको लगेगा अच्छा ये सम संख्या इसलिए दो ज्यादा चार चार छह माना गया, यहां तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में, फिर जब यहां पर माना जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहां तो एक तीन पांच होती, तो अगर x मान रहे हो तो अगली x प्लस तीन मानो, फिर x प्लस पांच मानो, ऐसे मानना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया ये जो संख्याएं चाहे सम हो चाहे विषम हो एक जैसी ही माननी चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं में दो दो का गैप होता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हर संख्या अगली संख्या प्राप्त होने के लिए दो दो के गैपिंग पे बनती है। कितने के गैपिंग पे बनती है भैया? दो दो के गैपिंग पे बनती है। क्या यह बात सभी को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, क्योंकि दो दो के गैपिंग पे है। चलो ये बात तो आपने सीख लिया, अब यहां से मेरा एक और सवाल है, एक और सवाल है आपसे, बड़ा ही नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा है, देखो कैसा है। ये आपका जीरो है, इसके इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, इसके इधर नेगेटिव संख्याएं होती हैं, एक दो तीन चार पांच ऐसे इन्फाइनाइट तक, जब इधर मानते हैं तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस इन्फाइनाइट तक, तो प्लस इन्फाइनाइट से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक यहां पे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, प्लस इनफिनिट से लेके माइनस इनफिनिट तक बहुत सारी संख्या है। अब आपने कहा सम संख्या के विषय में आपने क्या कहा था कि वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हैं वो सम होती हैं। फिर अभी आपने कहा कि हर एक संख्या दो दो संख्या के बाद आती है, जैसे दो के बाद फिर चार पे आती है, फिर यहां से छह पे आती है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं,
एक मिनट रुक जाओ बस। जैसे यहां पे -5 -6 -7 -इनफिनिट, वैसे यहां पे 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 प्लस इनफिनिट। तो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक मानी गई। अब आप क्या कह रहे हो यहां पे बताना जरा मुझे। आप कह रहे हो कि जैसे ये देखो दो दो के गैप पे 2 है 4 है फिर 6 है फिर 8 है फिर आगे चलती चली जाएगी, दो दो के गैप पे है। उसी तरह से आप विषम को भी बता रहे हो, डिफाइन कर रहे हो विषम को भी कैसे, दो दो के गैप पे 2 है 3 है फिर 5 है फिर 7 है फिर 9 है और ऐसे गाड़ी आगे चलती चली जाएगी, ये भी दो दो के गैप पे है। तो ये जो सम विषम की कहानी है ये आप पॉजिटिव की तरफ ही क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपने जो डेफिनेशन बताया सम विषम की, आपने कहा वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य है उन्हें सम संख्या कहा जाता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य है उन्हें सम संख्या कहा जाता है, आपने ये कहा। तो क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या जो इधर वाली संख्याएं क्या है 2 से विभाज्य नहीं है? क्या अगर हम -2 में अगर हम 2 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना। तो इसका मतलब इधर वाली संख्याएं भी तो 2 से विभाज्य है। तो आपने कहा वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य है वो सम संख्या है, जो 2 से विभाज्य नहीं है विषम संख्या, आपने यही बात कहा। तो इधर वाली संख्याएं भी तो 2 से विभाज्य और न विभाज्य वाली हैं, फिर तो इधर भी सम विषम की कहानी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए क्या, होती हैं। संख्याएं ऋण में भी होती हैं, ऋणोत्तर जो नेगेटिव नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी सम विषम होते हैं। क्योंकि भाई ये देखो एक संख्या जोड़ के सम मिलता है, एक संख्या जोड़ के सम मिलता है, तो वही कहानी तो इधर भी चलेगी ना, वही कहानी इधर भी चलेगी। एक संख्या छोड़ो तो सम मिलेगा, फिर एक संख्या छोड़ो तो सम मिलेगा, फिर एक संख्या छोड़ो तो सम मिलेगा, फिर एक संख्या छोड़ो तो सम मिलेगा, ऐसी कहानी इधर भी चलने वाली है। या फिर अगर विषम में देखें तो वही कहानी फिर से यहां भी चलनी है कि एक संख्या छोड़ो तो विषम मिलेगा, फिर एक जोड़ो तो विषम मिलेगा, फिर एक छोड़ो तो विषम मिलेगा, फिर एक छोड़ो तो विषम मिलेगा, वही कहानी तो इधर भी मिलनी है, वही कहानी क्या है इधर भी मिलनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या ऋणात्मक संख्याएं, मेरा सवाल है आपसे कि क्या ऋणात्मक संख्याएं भी सम या विषम, क्या ऋणात्मक संख्याएं भी सम या विषम हो सकती हैं? बताइए, क्या ऋणात्मक संख्याएं भी सम या विषम हो सकती हैं? क्या नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं क्या उनको भी हम इवन या ऑड के कैटेगरी में रख सकते हैं? अगर नहीं, जैसे आपने यहां पे कहा, जैसे यहां पे आपने कहा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, फिर आपने कहा सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, आपने दोनों बात कहा। तो अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आपको पता है ये संख्या पद्धति, मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं कि जो संख्या जितने दाएं तरफ जाती है, जो संख्या जितने राइट साइड जाती है वो उतनी बड़ी होती चली जाती है। मतलब ये बात मैं आपको बता चुका हूं, यहां से मैं ये बात आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं सुनो ध्यान से, कि संख्या जितना इधर चलती चली जाएगी बड़ी होती चली जाएगी, जितना आप उसको दाएं लेके जाओगे उतनी ही संख्या बड़ी होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? जितनी संख्या आप दाएं की तरफ भगाओगे, मतलब जितना इस संख्या रेखा पर आप दाएं की तरफ जाओगे उतना ही नंबर बड़ा होता चला जाएगा, जितना आप इधर की तरफ जाओगे उतना ही नंबर बड़ा होता चला जाएगा। और ठीक उसी का उल्टा भी होता है कि अगर आप जितना इधर लेके आओगे संख्या छोटी होती चली जाएगी, आप अगर बाएं साइड लेके आओगे तो संख्या छोटी होती चली जाएगी। ये भी आपको रूल पता है ना, कि अगर संख्या आप इधर की तरफ लाओगे तो छोटी होती चली जाएगी, संख्या इधर छोटी होती चली जाएगी। मतलब अगर हम अपने संख्या रेखा पर अगर हम अपने दाएं साइड चलते हैं, राइट साइड मतलब पॉजिटिव की तरफ, प्लस इनफिनिट की तरफ, अगर पॉजिटिव की तरफ जीरो के दाएं साइड जितना हम चलेंगे वो संख्या बड़ी होती चली जाएगी, और जितना हम बाएं साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, जितना हम लेफ्ट साइड चलेंगे संख्या हमारी छोटी होती चली जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है, जितना संख्या हम बाएं की तरफ चलेंगे वो संख्या छोटी होती चली जाएगी, जितना संख्या दाएं की तरफ चलेंगे वो संख्या बड़ी होती चली जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने को पता है, दोनों कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से समझो,
मैंने आपसे पूछा कि क्या ऋणात्मक संख्याएं भी सम विषम हो सकती हैं, मतलब क्या जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम इवन या ऑड के कैटेगरी में रख सकते हैं। हमने केवल आपसे यही पूछा। आपने कहा कि वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हैं वो सम होती हैं, आपने कहा वे संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती हैं विषम होती हैं। तो इधर वाली संख्याएं भी तो कुछ ऐसी हैं जो दो से विभाज्य हैं और कुछ ऐसी हैं जो दो से विभाज्य नहीं है, फिर तो इधर भी सम विषम होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होती है? फिर आपने क्यों कहा कि सबसे छोटी सम संख्या दो होती है? फिर तो जितनी इधर वाली संख्या वो छोटी होंगी, फिर दो कैसे सबसे छोटी हुई? सबसे छोटी तो जो इधर रहेगी वो, और इधर तो माइनस इनफाइनाइट है, मतलब ज्ञात ही नहीं कर सकते कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। ना सबसे छोटी ज्ञात कर सकते हैं, ना सबसे बड़ी ज्ञात कर सकते हैं, अगर ऋणात्मक संख्याएं भी सम विषम हुई तो। तो क्या इसके पीछे तर्क है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? आप थोड़ा समझाइए, आप थोड़ा बताइए। तो समझिए मेरी बात को, एकदम सिंपल लॉजिक समझा रहा हूं आपको। देखो, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो हमारा है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है हमारा, वो ऐसा कभी नहीं कहता है कि ऋणात्मक संख्याएं भी सम विषम होती हैं। वो ऐसा कभी नहीं कहता कि ऋणात्मक संख्याएं सम विषम होती हैं, क्योंकि वो हमेशा जब पेपर आता है तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है। जब पेपर आता है तो वहां ऐसे लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है समझो, जब पेपर आता है तो वहां ऐसे लिखा रहता है, सम प्राकृतिक संख्या सम प्राकृतिक संख्या या फिर विषम प्राकृतिक संख्या, वहां ऐसे लिखा रहता है। और जिस भी नंबर के साथ अगर आपने प्राकृतिक नाम जोड़ दिया, है ना, जिस भी नंबर के साथ अगर आपने प्राकृतिक जोड़ दिया, तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। अब गिनती की संख्या माइनस से नहीं शुरू होती भैया, हम अपने हाथ की उंगली माइनस में नहीं गिन सकते कि माइनस एक माइनस दो, ना 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 ना। गिनती की संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती है और गिनती की संख्या हमेशा वन से शुरू होती है, इसीलिए सम प्राकृतिक संख्या जो होती है वो दो चार छ आठ दस इस तरह से होंगी, और जो विषम प्राकृतिक संख्या होंगी वो एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह इस तरह से होंगी ये। लेकिन अगर खाली हम सम विषम की बात करें, प्राकृतिक को ना लिखें, तो नेगेटिव संख्याएं भी जो होती हैं वो होती हैं, नेगेटिव संख्याएं भी सम विषम माना जाता है। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको भी सम या विषम संख्या मान लिया जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि जो ऋणात्मक संख्याएं उनको भी क्या मान लिया जाता है? सम विषम मान लिया जाता है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, देखो बहुत सारे गणितज्ञ ऐसा मानते हैं कि नेगेटिव संख्याएं भी सम हैं, नेगेटिव संख्याएं भी विषम हैं, उनका लॉजिक भी सही है, कोई उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि लॉजिकली वो सही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया वे संख्या जो दो से नहीं कटती, नेचर भी उनका देखो, ये जैसे एक एक के बाद है वैसे वो इधर भी तो एक एक के कम पे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहां से खाली सम विषम कहा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, प्राकृतिक संख्या ना कहा जाए, सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या कह सकते हो आप? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी सम संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अगर मान लो सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें, सबसे छोटी विषम संख्या, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है सम विषम का, बस इतना ही जानते रहते हैं लोग, बहुत कुछ जानते ही नहीं इनके विषय में, तो जानते रहिए आप सब कुछ। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी वही है। ज्ञात नहीं किया जा सकता भैया, सबसे छोटी विषम संख्या के बारे में जब आप बात करेंगे तो यह भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चाहे सबसे छोटी सम संख्या हो, चाहे सबसे छोटी विषम संख्या हो, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर सम प्राकृतिक संख्या है तो फिर सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या दो है, और अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या एक है। अब बारी आती है कि सर जी इतना कुछ समझाया, अब हम कंफ्यूज हो गए कि किसको क्या माने या पेपर में आएगा तो क्या माने। तो पहली बात कि कभी पेपर में सवाल आएगा नहीं कि सबसे छोटी सम या विषम क्या है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताऊं, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कमीशन है,
जो हमारा कमीशन है वो कभी भी नेगेटिव संख्या है, वो हमेशा पॉजिटिव संख्याओं को ही सम विषम मानता है। इस बारे में जानते रहो, मतलब पॉजिटिव संख्याओं को ही सम विषम माना जाता है। अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि कौन सी सबसे छोटी सम संख्या, कौन सी सबसे छोटी विषम संख्या, तो इसको मत जानो, फिर जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया सिर्फ वही जानो। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह 100% करेक्ट है, और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी 100% करेक्ट है कि सबसे छोटी सम संख्या 1 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है, लेकिन आपके डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हां नेगेटिव संख्याएं भी सम विषम हो सकती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि नेगेटिव संख्याएं आपकी ऑड या इवन नंबर हो सकती हैं। तो आपने क्या कहा था कि क्या नेगेटिव संख्याओं को ऑड या इवन माना जा सकता है? आपने कहा हां भैया, नेगेटिव संख्याओं को ऑड या इवन माना जा सकता है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव संख्याओं को भी ऑड या इवन माना जा सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी सम विषम है, क्योंकि उनका नेचर सम विषम की तरह होता है, उनका जो नेचर होता है वो सम विषम की तरह होता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि नेचर सम विषम की तरह कैसे है। ठीक है, बताओ इतनी बातें समझ में आई? तो अगर मान लो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे, अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, या आप बताओ कि आपको कल को किताब लिखनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताओगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बताओगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। लेकिन अगर आप मान लो अपने डिस्कशन, अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हो, तो आप कहोगे भैया नेगेटिव संख्याएं भी, ऋणात्मक संख्याएं भी जो होती हैं वो सम विषम होती हैं। उस लिहाज से अगर हम सबसे छोटी सम संख्या को ज्ञात करने की कोशिश करें तो नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जो संख्या जितने दाएं होगी वो उतनी छोटी होगी, और ये माइनस संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, तो जो एकदम लास्ट में होगा वही होगा, तो लास्ट में क्या होगा ये तो पता ही नहीं। तो इसलिए सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, और सबसे छोटी विषम संख्या भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात है भैया कि ये चीजें जो हैं वो आपके सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जबकि पेपर में कभी भी कोई चीज सम विषम के विषय में लिख के आती है तो वो इसी तरह से लिखी रहती है। अब क्योंकि कई बार कमीशन में इसको इस तरह की समस्याओं से जूझ चुका है, तो अब वो समझ चुका है कि हमें सम विषम इसी तरह से लेके चलना है। अब नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जैसे एक जीरो को मान लेते हैं, जीरो जो है सम है या विषम है, क्या है जीरो, क्या है सम है या विषम है, आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो क्या है, सम है या विषम है, आपको यह बताना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जीरो क्या है? या समझिए, जीरो क्या है, सम है या विषम है, आपको यह बताना है। देखते हैं कि जीरो क्या है, सुनिए ध्यान से। आपको पता है, एक चीज मैं आपको जानकारी दे दूं, यहां पे जानते रहो इन बातों को, कि कभी भी सम संख्या और सम संख्या को अगर आप जोड़ते हो, कभी भी सम संख्या प्लस सम संख्या को जोड़ते हो तो आपको एक सम संख्या मिलती है। मतलब इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ते हो तो हमेशा एक इवन नंबर मिलता है। विषम संख्या प्लस विषम संख्या को जोड़ते हो, 3 + 5 को जोड़ोगे तो सम ही मिलेगा। मतलब विषम संख्या प्लस विषम संख्या को जोड़ोगे तब भी आपको विषम ही मिलने वाला है, और किसी सम संख्या और विषम संख्या दोनों अपोजिट करके जोड़ते हो तो 5 × 2 = 7 हमेशा विषम संख्या मिलती है। ये एकदम सत्य बातें हैं, ठीक है? ये मैथ में क्या है, एकदम सत्य बातें हैं भैया। अब जीरो सम है कि विषम है, इस पे हमें पॉइंट पे डिस्कशन करना है कि जीरो क्या है, सम है या विषम है। तो आपने क्या कहा कि मान लेते हैं, एक बार माना, मान लेते हैं, माना जीरो विषम है। अगर हमारा जीरो विषम है तो विषम की तरह बिहेव करना चाहिए, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर विषम आता है। तो अगर आप जीरो को विषम मानते हो, सपोज करो, तो जीरो को विषम, आपको पता है ये बात, क्या पता है कि विषम प्लस विषम
विषम प्लस विषम जोड़ने पर सम आता है, यह बात आपको पता है। तो अगर जीरो विषम संख्या है तो यहां पे रखो जीरो को, प्लस में कोई भी विषम संख्या पांच ले लिया, दोनों को जोड़ा तो पांच आ रहा है, जो कि कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहां सम आना चाहिए जबकि विषम आ रहा है, इसलिए ये जो तरीका यहां पे जो बात क्रिएट हो रही है ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये मामला सेट नहीं हो रहा है। एक तरीका और, एक चीज और जानो, आपने कहा कि सम प्लस विषम जोड़ने पर विषम आना चाहिए, यह बात आपने कहा कि सम प्लस विषम जोड़ने पर विषम आना चाहिए। आपने जीरो को विषम माना, तो कोई भी सम संख्या ले लो आप, जैसे मान लो आपने ले लिया छह, ले लिया छह में जीरो जोड़ रहे हो तो आपको छह मिल रहा है, छह में जीरो जोड़ रहे हो तो आपको छह मिल रहा है, आपको मिलना क्या चाहिए था, विषम संख्या मिल रहा है, जबकि नहीं मिल रहा है विषम संख्या, तो यहां पर भी जीरो जो है विषम की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इन दोनों कंडीशन में जो जीरो है वो जीरो जो है विषम की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, यानी यहां से हम कह सकते हैं अतः जीरो एक विषम संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो की तरह काम ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अगर मान लो जीरो विषम है तो विषम प्लस विषम जोड़ने पर सम आना चाहिए, तो विषम अगर जीरो मानते हो आप तो विषम संख्या पांच ले लिया तो इसका मान तो पांच एक सम संख्या आना चाहिए, तो विषम आ रहा है, इसलिए जीरो जो है विषम की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। दूसरे कंडीशन में भी अगर जीरो को विषम मानते हो तो सम प्लस विषम जोड़ने पर विषम आना चाहिए, छह प्लस जीरो जोड़ के छह मिल रहा है जो कि विषम नहीं मिल रहा है, सम मिल रहा है। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि जो जीरो है वो जीरो जो है विषम की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि माना जीरो एक सम संख्या है, हम ऐसा मान लेते हैं कि माना जीरो एक सम संख्या है, तो अभी आपने क्या कहा था कि अगर जीरो सम संख्या है, समझिए ध्यान से मेरी बात को, आपने यहां से कहा था कि सम प्लस सम जोड़ने पर सम आना चाहिए। तो अगर आप जीरो को सम मानते हो तो जीरो प्लस कोई भी सम संख्या चार ले लिया, जोड़ने पर चार आ रहा है, अरे भाई वाह 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 वाह, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, सम आना चाहिए, सम आ भी रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, मतलब जीरो सम की तरह बिहेव कर रहा है। और देख लो, आपको पता है ये बात कि किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर विषम आना चाहिए, किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर विषम आना चाहिए। अब कोई भी सम संख्या ले लो आप, जैसे मान लो आपने आठ ले लिया, उसमें सम संख्या जीरो माना ना, इस बार जीरो ले लिया, उसमें कोई विषम संख्या जैसे मान लो सात ले लिया, जोड़ने पर क्या आना चाहिए आप बताओ, जोड़ने पर सात विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ तो रहा है यार, विषम ही तो आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों कंडीशन से यह सेटिस्फाई हो रहा है कि हम कह सकते हैं, दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं अतः जीरो एक सम संख्या है, यह प्रूफ है आपके लिए, यह प्रूफ है आपके लिए जो आपने पीछे बात कही थी, यह जो जीरो था ये क्या है, सम विषम क्या है, यहीं से शुरुआत होती है, कैसे दो को सम मान लिया गया, क्या कहानी है कि दो को सम माना गया, क्योंकि ये भैया सम हो रहा था इसलिए। तो ये पूरे ज्ञान का जो समग्र ज्ञान मैंने आपको अभी दिया, इस पूरे ज्ञान का जो मोटी मोटी बात है वो इतनी सी बात है, जो मोटी मोटी बात है वो सिर्फ इतनी सी बात है, क्या कि सुनो भैया, जो जीरो जो सम विषम होती है, अगर मान लो आपके एग्जाम में पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है तो आप क्या बताओगे, दो, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है तो आप क्या बताओगे, एक, ठीक है। अगर आपको अपने नॉलेज के हिसाब से चाहिए तो भैया नेगेटिव संख्याएं भी सम विषम हो सकती हैं, क्योंकि वो बिहेव करती हैं सम विषम की तरह, और ये उनका प्रूफ है कि वो किस तरह से, कैसे जीरो को एक सम संख्या मान लिया जाता है, इसी तरह से ये कंडीशन आप बाकियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, बाकियों के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ये बातें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और भी कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर
परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो भैया आपने क्या कहा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वे संख्या है जो किसी का पूर्ण वर्ग हो। जैसे जो स्क्वायर वाले नंबर है, एक दो, स्क्वायर कौन कौन है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, और चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49। इस तरह से कम 30 तक का स्क्वायर याद हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लो भैया, तब जाके आपका काम बनेगा। इसके बाद आपने कहा पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या तो वे संख्याएं जो किसी का घन होती है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो वे संख्याएं जो किसी का क्या होती हैं, घन होती है भैया। जब आप किसी का घन मानते हो तो उसे परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे एक का क्यूब एक है, दो का क्यूब आठ है, तीन का क्यूब 27 है, चार का क्यूब 64 है, पांच का क्यूब 125 है, छह का क्यूब 216 है, सात का क्यूब 343 है, आठ का क्यूब 512 है, नौ का क्यूब 729 है। इस तरह से आपको कम से कम 20 तक का क्यूब याद हो जाना चाहिए, जो कि 8000 है। ठीक है ना, तो 20 तक का क्यूब आपको कम से कम याद हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो मैथ है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। भैया जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। बस इतना सा काम कर लो, क्या कि आप कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लो और कम से कम 20 तक का क्यूब याद कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या भी आपने जान लिया। अब यहां पे आपने पूर्ण वर्ग संख्या भी जान लिया, पूर्ण घन संख्या भी जान लिया। मैं आपको बताऊं, आपके पास यहां से जो नंबर बचा हुआ है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो कल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा शानदार सा नंबर है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, बाबा टाटा, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।